कैसे हो, मुझे पता है सब अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो बहुत शानदार होने वाले हैं, ना कि एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज बनाने वाले हैं वाटर लेवल प्रोजेक्ट, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जो ये बोतलों की बिस्लेरी की बोतलों की मदद से बनाऊंगा मैं। इस प्रोजेक्ट में दो बिस्लेरी की बोतल की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा वो जो नलची होती है ना, नलची की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट से ये फायदा होगा, जैसे कि हम कोई भी मतलब वाटर प्लांट, कोई भी मतलब प्लांट बनाया ना पानी का छोटा छोटा, जब ऑटोमेटिक से मतलब पानी इसमें रिसाइकिल होते ही चला जाएगा ऑटोमेटिक से। ना तो इसमें डीसी मोटर, वाटर पंप कुछ भी नहीं लगाऊंगा, बस हवा की मदद से और पानी के दबाव की मदद से पानी रिसाइकिल होता चला जाएगा एक 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 बोतल से दूसरी बोतल में। चलो फिर आज को इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्कूल या कॉलेज में दिखाओगे तो हो सकता है आपके 10 में से 10 नंबर आ जाए। चलो फिर बनाते हैं प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो एंड तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। ललित एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल पहली बार आए, जरूर सब्सक्राइब करना। चलो फिर प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। चलो प्रोजेक्ट बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने बीच में नलची लगाई थी ना, उस नलची के लेवल तक हमें पानी बढ़ना है, यहाँ तक बढ़ना है। आप देख सकते हो नलची जहाँ तक है ना, जहाँ तक पानी बढ़ना है, नलची के ऊपर पानी नहीं निकालना तभी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। चलो फिर पानी डालता हूँ मैं फटाफट से इस बोतल के अंदर, यहाँ तक पानी डाल देते हैं। इसके अंदर केप, ये केप को टाइट से लगा देना है। इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया था ना, अब उसके स्टार्टिंग अब होगा। अब देखने के लायक बात होगी। अब जो इसके ऊपर है ना, यहाँ पर पानी डालना है बोतल केप में। अब देखना प्रेशर के माध्यम से जो ये नलची है ना, यहाँ पर इस जगह देखना, इस जगह पानी आएगा ऑटोमेटिक से।